वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी न्यू एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA इज द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, इट इज नोन एज अ चार्ट ऑफ अ कंपनी। MOA जो होता है कंपनी का बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, और इसे हम कंपनी का चार्ट भी कहते हैं। और जब कंपनी रजिस्ट्रेशन, जब कंपनी न्यू बिल्ड करते हैं, तो सबसे पहले हम कंपनी का MOA प्रिपेयर करते हैं। MOA जो होता है वो बहुत ध्यान से, बहुत केयरली हमें फिल करना होता है। और ये MOA बनाने के बाद हमने कंपनी के साथ जो सब्सक्राइबर होते हैं उनसे ये साइन करवाना होता है। तो MOA जो होता है, इसका जो बेसिक पर्पस होता है कि MOA की एक अच्छी कंपनी का पोर्टफोलियो, अच्छा कंपनी का रेपो बिल्ड करना, जो इजीली डील करते वक्त जो कंपनी के डीलर और कंपनी का जो शेयर्स खरीदने हो, जिन्होंने वो देख के इजीली कंपनी के लिए कन्विंस हो जाए, कंपनी की अच्छी सी रेपो बनी होगी तो वो इजीली कन्विंस होकर डील करें, कंपनी के साथ शेयर खरीद लेंगे। इसके MOA के 7 क्लाजेज हैं। तो आगे चलें। 7 क्लाजेज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, 17 एंड 18 कंपनी ऑर्डिनेंस। कंपनी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 16, 17, 18 के मुताबिक कंपनी के 6 क्लाजेज मैंने 7 लिखा है, 6 क्लॉजेज हैं कंपनी के, जिसमें है नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या होगा, कंपनी का नेम लिखा जाएगा डॉक्यूमेंट में। सिचुएशन क्लॉज में कंपनी की सिचुएशन लिखी जाएगी कि कंपनी की इस टाइम सूरत हाल कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन कैसी है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी किसके रिलेटेड काम कर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी कौन सी प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी क्या बेनिफिट देना चाह रही है, कंपनी का मिशन क्या है। तो आगे 4th में लाइबिलिटी क्लॉज, कंपनी की कितनी जिम्मेदारियां है, कंपनी पे कितना कर्जा है, कंपनी पे कितना बैंक का लोन है, कंपनी के कितने शेयर होल्डर हैं, कंपनी का कितना शेयर कैपिटल इशू हो चुका है, ये सारे लायबिलिटी क्लॉज में आ जाते हैं। आगे चले कैपिटल क्लॉज, कंपनी का कैपिटल होता है, इसमें कैपिटल, टोटल कंपनी का कैपिटल लिखा जाता है MOA में। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, इसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स आते हैं जो कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, कंपनी का ऑनर, तो इन सब को कंपनी के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिखा जाता है, जो कंपनी के सब्सक्रिप्शन। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी काफ़ी हद तक MOA की। तो अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।